उत्तराखंड में नई सरकार के मिजाज काफी गर्म है। कुर्सी का सवाल है, हर काम दुरुस्त होना चाहिए। ऐसे में सरकारी अफसरों की तो क्लास लगी हुई है। ऐसे में महाधिवक्ताओं की बारी आई तो दूध का दूध पानी का पानी हो गया। पिछले 1.5 साल से ये महाधिवक्ता मोटी तनख्वाह तो उठा रहे हैं, लेकिन काम के नाम पर इन्होंने मक्खी भी नहीं मारी। गौर करने वाली बात है कि महाधिवक्ता की तैनाती हाईकोर्ट में राज के केसों की पैरवी करने के लिए की जाती है। 4 अप्रैल 2013 को पदभार संभालने के बाद से महाधिवक्ता जी ने 31 केसों की पैरवी की, लेकिन सरकार के पक्ष में एक भी फैसला नहीं आया। वहीं 31 दिसंबर 2013 तक सरकारी अपीलों की संख्या 123 थी, जिनमें से 31 केसों की अपील तो खारिज हो गई। यानी 1.5 साल का कार्यकाल महाधिवक्ता ने निठल्लों की तरह बिताया, लेकिन इनके ठाट बाट पर सरकारी धन को खर्च करने में जरा भी कोताही नहीं बरती गई। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि आखिर ऐसे महाधिवक्ता को रखा ही क्यों गया। वहीं दबी जुबान में कहा जा रहा है कि महाधिवक्ता पर ये नरमी इसलिए बरती गई क्योंकि महाधिवक्ता साहब नरेंद्र नगर के विधायक सुबोध उनियाल के भाई हैं। तो उनके 8-9 महीने के कार्यकाल में ये समझ लीजिए 31 केसों का निस्तारण हुआ और 31 के 31 केसों में सरकार ने मुंह की खाई है। जब सरकार को हारना ही है, मुंह की खानी है, तो मैं समझता हूँ लाखों रुपए प्रतिमाह ऐसे महाधिवक्ता पर सरकार लुटा रही है। तो सरकार से मांग करते हैं ऐसे भ्रष्ट और निकम्मे अधिकारी को, जो कि अपने संसाधन मजबूत करने के लिए प्रदेश के हितों को दरकिनार कर रहे हैं, तिलांजलि देने में लगे, उनको बर्खास्त किया जाना चाहिए और उनके कार्यकाल में जो भी इनके कारनामे उसकी जांच होनी चाहिए। नहीं तो जन संघर्ष मोर्चा निश्चित तौर पे सड़कों पे उतर के ऐसे भ्रष्ट और निकम्मे अधिकारी का विरोध करेगा। महाधिवक्ता जी तो सोचे बैठे थे कि काम कुछ करेंगे नहीं, लेकिन विधायक भाई के सहारे दिन कटते रहेंगे। लेकिन अब महाधिवक्ता साहिब के दिन लद गए। नए निजाम के अंदाज सख्त है। हो सकता है कि नेतृत्व परिवर्तन के बाद जल्द ही महाधिवक्ता के परिवर्तन की खबर भी सुनने को मिले। देहरादून से साधना न्यूज के लिए हिमांशु चौहान की रिपोर्ट।